देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। टू विस्की। अरे ये पार्टी में क्रीचर्स को किसने अलाउ किया भाई? यू माइंड योर लैंग्वेज डोकर, हम कोई कीचड़ वीचड़ ना है। ओके, मॉडर्न कॉलोनी के सबसे हैंडसम लौंडे हैं मैं, टिल्लू चिरान, जे टीका और जे ऊंट के मुंह। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। हाँ अभी एक बार बता टिल्लू, ये तेरे छाती के बाल यार बहुत घुघराले हैं। जे छाती के बाल ना है यार, आज पता नहीं किसकी शक्ल देख कर उठा मैं, इतने भयानक चेहरे देखने को मिल रहे हैं मुझे। चाचा जी, सुबह आपने अपनी ही शक्ल देख ली होगी। अरे ड्रैकुला कहाँ से आ गया भैया? अरे ड्रैकुला नहीं, मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर। अरे लेकिन मुझे तो ड्रैकुला नजर आ रहा है। पता नहीं इस कॉलोनी को किसकी नजर लगी है, सबके सब परेशान हैं, सबका ही बुरा हाल है। लेकिन मुझे तेरा कुछ ज्यादा ही बुरा हाल दिख रहा है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? रिप्ता, मेरी वजह से आइए, मैं ही ठीक करूंगा इसको। जल्दी कीजिए। या बेबी, मतलब भाभी जी। हाय दिया, ये कहाँ लेकर आ गए बरबू जी? धीरे बोले भाभी जी, आपका वॉल्यूम कंट्रोल फेल हो जाता है क्या?
यहाँ हमारे कॉलेज का लाइब्रेरियन रहता है। इसको मालूम होगा जड़ेश्वर के बारे में, क्योंकि इसके पास कॉलेज के हर लड़के की कुंडली रहती है। कौन सा लड़का किस लड़की के साथ घूम रहा है, किसका किससे चक्कर चल रहा है, इसको सब खबर रहती है। चलता पुरुषा है ये, आइए आराम से बात कीजिए, तेज बात करने की। चलिए टाइम भेजना है, आराम से घंटी बजाइए। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। आप लोग कौन, तुम कौन हो भाई साहब? आपने मुझे नहीं पहचाना सर? नहीं। चोरा प्रसाद जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। जब भी मैं आपकी लाइब्रेरी में आता था तो मैं अंडर द टेबल आपको 10 रुपए की पत्ती दिया करता था, याद है आपको? हाँ, रोज सारे के सारे नोट नकली हुआ करते थे चुरन वाले। देखिए इनको वो भी याद है। माय गॉड, यू हैव सम मेमोरी। और मुझे तो ये भी पता है तुम कॉलेज में सबसे घटिया स्टूडेंट थे, तुम्हें भूलना तो मुश्किल है। अरे बताइए, आपके आप वो झड़ेश्वर को जानते हैं? झड़ेश्वर? झड़ेश्वर कौन? झड़ेश्वर आपको याद है? लंबा सा लौंडा हुआ करता था, लैंकी, लंबे लंबे बाल थे, बात करता था, मुंह से राल टपकती थी। वो लार निकलता था ना, बाल मुकुंद झड़ेश्वर। यस, बाल मुकुंद झड़ेश्वर, दैट वाज हिज नेम। यस यस। वो तो मर गया? हां, वो तो मर गया। अ गॉड, आई डोंट नो, मर गया। ही इज डेड एंड हाउ? लेकिन बेचारा नेचुरल मौत नहीं मरा, उस बेचारे को किसी कमीने ने मरने पर मजबूर कर दिया था, उसने सुसाइड कर लिया। पता नहीं वो कौन कमीना था। जिस दिन वो मुझे मिल गया ना, मैं तो उसको गिन के 101 चप्पल मारूंगा, वो भी गोबर में भिगो के खैच खैच के मारूंगा। कुत्ता कमीना। आप अननेसेसरी जज्बाती हो रहे हैं वो फुलतिंग। मेरी बेटी सुलोचना की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मेरी बेटी जो है झड़ेश्वर से प्यार करती थी, झड़ेश्वर मर गया और मेरी बेटी जो है पागल हो गई। बताइए तो अंकल जी, लड़कों का कमी है का, कौन और से शादी कर लेती ना। अरे बेटा, प्यार तो जीवन में एक ही बार होता है ना, ये हम फिल्म में सुने हैं। सर, रॉन्ग फिलॉसफी फॉर गॉड। गाना तो झड़ेश्वर भी गाता है। था, गाता था। ये गाना मैंने उसे सिखाया था। अक्सर जब भी वो मेरे पास आता था, ये गाना उसे गुनगुनाती थी, सुनाती थी। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। ना जाने किस कमीने की उसको नजर लग गई। आप इनका बात कर रहे हैं? तूने जडेश्वर के शैम्पू में केमिकल मिलाया था? It was an accident. Accident था, मैंने जान के नहीं किया था। अजान के किए थे। कमीने, मैं तेरा खून कर दूंगी, तुझे जान से मार दूंगी, तेरे बाल नोच दूंगी। देखिए देखिए, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने एक्चुअली किया कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि जरा सी बात पे वो इतना डिसहार्टन हो जाएगा और वो सुसाइड कर लेगा। ये तुझे जरा सी बात लग रही है कमीने? मैं तेरी बाल नोच लूंगी। हाँ, बिल्कुल। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया। ये गलती स्वीकार कर रहे हैं ना, तुम माफ कर दो, छोड़ दो। हाँ, माफ कर दीजिए शौचालय जी। मेरा नाम सुलोचना है। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए हम का बोल रहे हैं अंकल जी, वो कहा है कि आप अपनी बेटी को समझाइए कि वो झड़ेश्वर को मनाए और हमरा पीछा छुड़वाए, प्लीज। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के नहीं किया, जो कुछ हुआ एक हालात के तहत हुआ। I'm really sorry. हाँ, इनको माफ कर दीजिए। देखिए सॉलिड चना जी, सुलोचना है मेरा नाम। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए आप हमरा बात सुनिए, झड़ेश्वर को काबू में कैसे करें वो हमको बताइए। बता दे बेटा। देखिए कुछ तो उसकी वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, कुछ तो कमजोरी होगी उसकी, बताइए ना हमें। दरअसल उसकी असली कमजोरी तो मैं थी। मजबूरी नहीं।
कमजोरी, कोई कमजोरी होगी उसकी। क्या है कि एक बार पिताजी कैंची लेकर अपने सीने के बाल काट रहे थे। You got hair on your chest? Yeah, you got dicks. तभी अचानक झड़ेश्वर आ गए और पिताजी के हाथ में कैंची देख ली और वो वहीं बेहोश हो गए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ, हम समझ गए का मतलब ओ का कमजोरी सीने का बाल है। सुरपनखा जी, देखिए इसका नाम सुलोचना है, अब आप लोग यहाँ से जाइए। ऐसे ही पकड़े हैं। प्लीज आप अपनी बेटी मतलब अपनी बेटी को समझाइए। ना ना ना, जाइए। आइए भाभी जी, लेट्स गो। आइए आइए। तिवारी जी आप? मैं तिवारी नहीं, झड़ेश्वर हूँ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हें चाहता हूँ मैं। This is just not possible. मैं किसी और की अमानत हूँ। बहुत जल्द मेरी हो जाओगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? I have a husband. मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती हूँ। तुम्हें मरने कौन देगा? मैं तो खुद तुम पे मरता हूँ। तुम भूल रहे हो, तुम ऑलरेडी मर चुके हो। मैं जानता हूँ कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मर कर भी तुम पर मरता हूँ। मरने वाले मरते नहीं है, मारते हैं। मरने वाले मरना भी तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें मारा किसने? तुम भूल रहे हो, तुमने खुद अपने आप को मारा था। ओहो, ये किस बहस के चक्कर में फंस गए हम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अनु। क्या बात करनी है झड़ो? आज रात तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। क्योंकि आज रात मैं तुम्हें आदमजात से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। फिर खामोशियां, वादियां और हम। इसका मतलब आज की रात कयामत की रात है। अनु बेबी आ गए झाड़ू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही हो तो इसका मतलब मैं ये समझो कि तुमने मेरे सामने समर्पण कर दिया है। क्या करूं झड़ू, तुम्हारी ये जालिम जुल्फे है ही इतनी हसीन कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है अनु, ये कहकर तुमने मुझे वापस जिंदा कर दिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा इस बेवकूफ इंसान की बॉडी में ही रहूंगा। इस खुशी के मौके पे क्या तुम अपना फेवरेट गाना सुनना चाहोगे? क्यों नहीं, सुनाओ ना डार्लिंग। ये है रेशमी सुल्फों का अंधेरा, ना घबराई जहां तक महक है मेरे केशों की चले आई। ये क्या कर रही हो अनु? छड़ो,
मैं तुम्हारे ये लंबे घने बाल काटना चाहती हूँ, कसम से। बड़ा मन कर रहा है, बहुत मजा आएगा। पागल हो गई हो क्या? मैं तो तुम्हारी जुल्फे देखकर पागल ही तो हो जाती हूँ। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। नहीं, मैं तो तुम्हारी इन काली घनी जुल्फों को देख रही हूँ, जो बार बार कह रही है कि आओ आओ और मुझे काट लो, आओ और मुझे काट लो। कौन है दरवाजे पे? हटो, हमें बाहर जाना है। जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, मुझे ये बाल दे दे जडेश्वर। नहीं, नहीं, नहीं। जिंदगी भर लोगों के बाल काट काट के फेंकता रहा, अब खुद की बारी आए डर रहा है? अगर गलती मैंने की थी, सजा मुझे देता। औरों को सजा क्यों दी, बता? रुक जा कमीने, ये कैंची से तोरे सारे बाल साफ कर देंगे हम। रुक जा, रुक 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 जा कमीने। रू तो नहीं निकल गई सेठ जी की? कुछ तो निकला है ऊपर। यार मुंह को लगो, दिवाली को पटाखे गए ऊपर। हाय दिया, रुक गया। हाय दिया, अलेडी के भैया के बाल तो पहले जैसे हो गए। हाँ। अरे वो तो ठीक है कि हमें जड़ेश्वर से मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या हम सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे? अरे चार्ज, डोंट वरी, हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। कुदरती मामला है, अपने आप हो जाएंगे, इट विल ग्रो बैक। अरे हमरे दद्दू के भैया को कौन उठाए ना, वो का ऐसे ही पड़े रहेंगे, होश में लाए ना। अरे अरे कोई यार जूता सुंघाओ, मोजे सुंघाओ या फिर कच्चा सुंघाओ, लेकिन सेठ जी को होश में तो लाओ। अबे सुन, तू अपना ही कच्चा सुंघा दे, वही काम आएगा। नहीं, इसका कच्चा नहीं, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। हाय दिया लड्डू के भैया, आप ठीक बना? हाँ हम तो ठीक है पगले, लेकिन ये तो तुम्हारे बालों को क्या क्या हुआ कि तुम अचानक से रेखा से साधना कैसे हो गई? का बताएं लड्डू की भैया, ये सब ना वो जटेश्वर की वजह से हुआ रहा। अबे जी जटेश्वर, ऐसे ही पकड़े हैं वो की वजह से सबके देखे ना का हाल हुई कबा। सेठ जी देखो ये, लेकिन ये आपके बालों को अचानक से क्या हो गया? ये उड़ गए, गायब हो गए। हमारी हालत का जिम्मेदार वो जड़ेश्वर है, जो आपके बॉडी में घुसकर ये सब कांड किया है। उसके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। वार्डन कॉलोनी काफी उजड़ी उजड़ी सी लग रही है, लेकिन भाभी जी एकदम उजली उजली लग रही है। वही सुंदरता, वही निखार, भाभी जी की लीला परम्पार। तिवारी जी, आपके ये फूट के फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए ना। नहीं भाभी जी, वो ये हाथ में कैंची का है, आपके हाथ में भी अंगूरी इधर भी है। अरे ये आज सुनिए लड्डू के भैया, पूरा कहानी ना आराम से घर जाकर आपको बताएंगे। अभी चलिए घर चलिए। बड़ा जेंगो लग रहे हो, लेकिन डी साइलेंट है। बेबी तूने देखा मेरे बाल वापस से सेम टू सेम हो गए? नहीं, I really don't care. You don't care? तुम तो कहती थी कि मेरे बाल तुम्हें बड़े पसंद हैं, मेरे बाल तुम्हारी जान हैं। भूलो मत, तुमने एक इंसान की जान ली है विभू। यार मैंने किसी की जान नहीं लिया, नो फॉर गॉड। नाम मत लो, नाम मत लो अपनी जुबान से मेरा। तो
तुमने एक मासूम की जान ली है, तुम एक कातिल हो विभु। मैंने नहीं मारा, ये सब झूठ है, लाए। मैंने सिर्फ उसके शैंपू में बाल उड़ाने का केमिकल डाला था, बस दैट्स इट। और वही उसकी मौत की वजह बनी। वो केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था कि उससे इंसान मर जाए। और बाय द वे, मेरे बाल भी तोड़ गए थे, तो क्या मैंने मार लिया अपने आप को? मैंने सुसाइड कर लिया। ऑफ कोर्स आई डू नॉट लाइक हिम, बट मैं कोई कातिल नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी किया मैंने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किया, दैट्स इट। विभु, तुम्हारी मोहब्बत कहीं नहीं गई थी, वो हमेशा से तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। यू मीन इट? ऑलमोस्ट। आई लव यू ऑलमोस्ट। रियली? आई लव यू। आई लव यू टू।